अफ्रीकाई देशों में गदर मचाने वाला मंकी पॉक्स को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके निर्देश जारी किए हैं। अब पूरे भारत में जिला स्तर पर इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। अगर कहीं पर भी कोई मरीज पाया जाता है तो तुरंत ही उसका इलाज हो और दूसरे लोगों में ना फैल सके, क्योंकि यह बेहद तेज़ी से फैलने वाली संक्रमित बीमारी है और अगर कोई व्यक्ति गलती से भी 5 मिनट किसी के पास खड़ा हो जाए तो वह संक्रमित हो सकता है। इसको लेकर डॉक्टर सुमित रावत ने जानकारी दी। जी, मंकी पॉक्स जो बीमारी है, ये बीमारी अफ्रीका से शुरू हुई है और ये एक चकत्ते वाली बीमारी है। इसमें जो मनुष्य को बंदरों से फैलती है, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया है। यानी कि जो पॉक्स होती है, जिसको बड़ी माता बोलते हैं, इस तरह की बीमारी होती है। तो इसमें शरीर पे चकत्ते आ जाते हैं, जो बड़े बड़े उसमें फूल जाते हैं, जिसमें पस बन सकता है और लाल हो जाते हैं, और बाद में इसमें क्या है, ऊपर से इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये एक प्रकार की बड़ी माता की बीमारी है, जिसको एक्जेंथीम भी बोला जाता है इंग्लिश में। और ये बीमारी अफ्रीका से शुरू हुई है, और इसके अलावा जो 14 अगस्त है इसी साल, इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसको एक पब्लिक हेल्थ डिजीज ऑफ ग्लोबल इम्पोर्टेंस, यानी कि इसके एपिडेमिक के ऊपर सतत निगरानी रखने के लिए बोला हुआ है। और ये जो बीमारी है, इसमें अगर अपन लक्षणों की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो मरीज होता है उसको तेज बुखार आ सकता है, बुखार के बाद उसको हाथ पैर दर्द हो सकते हैं, थोड़ा सा गले में खराश हो सकती है, और फिर उसको चकत्ते पड़ जाते हैं शरीर में। इसका जो फैलाव होता है वो या तो किसी मनुष्य से संपर्क में आने में हो सकता है, कोई बाहर से आया हो उससे संपर्क में आने से, उसके खांसने छींकने से हो सकता है, या डायरेक्ट उसको टच करने से हो सकता है। इसके अलावा उसके बहुत नज़दीक से अगर आप गुजरते हैं और 2-5 मिनट अगर आप उसके साथ रहते हैं, इससे भी हो सकता है। तो ये इसके फैलने के तरीके हैं। इसके अलावा जानवरों से भी ये फैलता है, जैसे कि खासतौर से बंदर हैं, अगर उनको मंकी पॉक्स है तो उनसे भी हो सकता है, या किसी जानवर के काटने से भी हो सकता है। और इसका जो बचाव है, बचाव यही है कि आप दूरी बना के रखें, मास्क पहन के रखें, और कोई इसका स्पेसिफिक इलाज नहीं है। जनरल ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें आप जो होता है कि इम्यूनिटी पे फोकस करते हैं और मल्टीविटामिन वगैरह देते हैं, और किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन ना हो पाए उसको कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा इसमें जो आप कर सकते हैं, इसमें खास तौर से जो गर्भवती माताएं हैं उनको बचाना होता है, छोटे बच्चों को बचाना होता है, और जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, जैसे कि वृद्ध लोग होते हैं, उनको खास सावधानी इसमें लेने की जरूरत है। तो ये एक ब्रीफ जानकारी है।